वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वन्ना। तो गाइस आज का हमारा जो पूरा वीडियो है वो सीरम के ऊपर है, क्योंकि गाइस अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीरम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि सीरम क्या है, कब लगाना चाहिए। तो आज मैं आपको सीरम के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स बताऊंगी कि सीरम क्या है, कब लगाना चाहिए, किस किस तरीके की सीरम आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वाटर बेस्ड सीरम एंड क्रीम बेस्ड सीरम, कौन कौन से स्किन टाइप वाले कौन कौन से सीरम लगा सकते हैं, और सीरम लगाने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको एक होममेड डीआईवाई सीरम भी बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको एक रेडीमेड सीरम भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के मैं न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि करंटली मेरी चैनल में एक गिव अवे चल रहा है ब्राइडल सेट का। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेरे कोई न्यू सब्सक्राइबर जिनको ये गिव अवे के बारे में पता ना हो तो पता चल जाए। तो गाइस अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ये ब्राइडल सेट के गिव अवे में, तो आपको सिंपली #VGFame एंड #GiveAway6 लिखना है आने वाले मेरे सारे वीडियोस के ऊपर। और ये जो गिव अवे सिर्फ इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल है, साथ ही साथ आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब गाइस आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैंने जो न्यू टॉप पहना है वो कैसा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। मुझे तो ये जो टॉप है साथ ही साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी जो स्लीव्स है काफी पसंद आई। तो बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में मैं इसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अभी के लिए मुझे लिंक मत पूछना। तो चलिए अब होममेड डीआईवाई सीरम कैसे बनाते हैं साथ ही साथ एक रेडीमेड सीरम की सारी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको जो डीआईवाई होममेड सीरम बनाना सिखा रही हूँ ना, आप कोई भी सीजन में लगा सकते हो, मॉनसून सीजन चल रही है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 टेबल स्पून जितना रोज वाटर लेना है। रोज वाटर स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको इसमें करीब 1 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल ही लेना है। प्लांट वाला जो फ्रेश एलोवेरा जेल वो आप ऐड नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि जब हम सीरम को स्टोर करते हैं ना, तो जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है उसमें पानी की मात्रा होती है तो हमारा सीरम खराब हो सकता है, इसलिए रेडीमेड ही लेना है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ 2 से 3 बूंद ही ग्लिसरीन की ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन हमें ऐड नहीं करना है, अदरवाइज हमारा सीरम और स्किन हमारी चिपचिपी फील होगी। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मेरे पास 2 एसेंशियल ऑयल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। एक तो है यहाँ पर मेरे पास पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल पर्पल का, दूसरा है मेरे पास यहाँ पर पर्पल का लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। ये दोनों ही ऐसे ऑयल है जो हमारी ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए पिंपल, दाग धब्बे हैं, एक्ने हैं, उसके निशान है, उसको लाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल है, आप दोनों में से कोई एक एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके पिंपल के बैक्टीरिया को ये दूर करेगा। तो यहाँ पर मैं मेरे सीरम में लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है उसकी 3 से 4 बूंद ऐड करूँगी, जिससे हमारा सीरम बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी नहीं हमें फील करवाएगा। और लास्ट में हमें यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल ऐड करनी है, बट पूरी विटामिन ई कैप्सूल मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ 3 से 4 बूंद ही ऐड करूँगी, अदरवाइज हमारा जो सीरम होगा वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बाकी का जो विटामिन ई की कैप्सूल है आप आपके कोई भी डीआईवाई में या तो हेयर का कोई भी ऑयल उसमें ऐड कर दीजिए, और इन सबको आप अच्छे से मिलाकर सीरम तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा लाइट वेट एक क्रीम बेस्ड सीरम तैयार हो गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ये सीरम लगाते ही जो सीरम है क्विकली हमारी स्किन पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिपापन, बिल्कुल भी ग्रीसीनेस आपको फील नहीं करवाएगा। यहाँ पर मैं मेरी स्किन पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो क्विकली ये एब्जॉर्ब भी हो गया है, ग्रीसीनेस ऑयलीनेस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो ये आप मानसून सीजन में या तो आने वाली कोई भी सीजन में या तो कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको लगा सकते हो, इसको आप 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक रेडीमेड सीरम बताने वाली हूँ जो कि है गुड वाइब्स का प्लस रेंज का टी ट्री प्लस मलबेरी ऑयल कंट्रोल प्लस स्किन ग्लो सीरम। ये सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मॉनसून में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, फिर हमें पिंपल होते हैं, तो ऑयल कंट्रोल करने के लिए और स्किन पर एक ग्लो लाने के लिए हेल्प करता है। ये जो गुड वाइब्स का प्लस रेंज का जो टी ट्री वाला सीरम है ना, वो इवन आपकी ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए, पिंपल को दूर करने के लिए, ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। एक वाटर बेस्ड सीरम है तो लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन फील नहीं होगा। ये जो सीरम है ना गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके गाइस तो आपने
हमने यहाँ पर सीरम बनाना तो देख लिया कि घर पर हम होममेड डीआईवाई सीरम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर गाइस हमने ऐसी कोई महंगी चीजें भी यूज नहीं की है जो आप लोग इसे अफोर्ड ना कर पाओ। ये जब सारी चीजें है घर किसी के घर में अवेलेबल होती है। अब गाइस मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीरम क्या होता है। सबसे पहले तो सीरम बहुत ज्यादा पतला होता है, जो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसकी कंपेरिजन में सीरम बहुत ज्यादा पतला होता है और हमारे स्किन के ऊपर हमारे पोर्स के अंदर जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो बहुत ही जल्दी पोर्स के अंदर स्किन के अंदर हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। मॉइस्चराइजर के कंपैरिजन में सीरम बहुत ज़्यादा लाइटवेट भी होता है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता है। आजकल तो मार्केट में गाइस कई सारे स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, कई सारे स्किन टाइप के हिसाब से आपको सारे सीरम मिल जाएंगे, वाटर बेस्ड सीरम मिल जाएंगे, आपको क्रीम बेस्ड सीरम मिल जाएंगे। गाइस जो वाटर बेस्ड सीरम होते हैं ना वो ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि वो वाटर बेस्ड होते हैं। अगर ऑयली स्किन वाली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वाटर बेस्ड सीरम यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी जो स्किन होगी बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं होगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। वाटर बेस्ड सीरम क्विकली हमारी स्किन पर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम क्रीम सीरम बेस के बारे में। क्रीम बेस्ड जो सीरम होते हैं ना वो ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें क्रीम तरीके के सीरम होते हैं और जो ड्राइनेस होती है उसको दूर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सीरम इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर गाइस मैंने आपको जो दो सीरम बताए हैं ना, एक तो ये होममेड वाला, दूसरा यहाँ पर मैंने आपको गुड वाइब्स का जो टी ट्री वाला बताया, वो समर के लिए और मॉनसून के लिए परफेक्ट है क्योंकि मॉनसून और समर में ये दो सीजन में हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, पिंपल, एक्ने, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होती है। वो सीरम हमारे स्किन के ऊपर ग्लो लाने का भी काम करता है। तो आई होप कि अब आपको सीरम के बारे में सारी डिटेल्स पता चल गई होगी। अब कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से आपको लगाना चाहिए वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले गए सीरम लगाने से पहले आप ध्यान रखें कि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी गंदगी ना हो, कोई भी मेकअप नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरीके से पानी की हेल्प से या तो फेस वॉश की हेल्प से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद ड्राई कर लीजिए। गाइस मैंने आपके साथ यहाँ पर DIY और रेडीमेड दो यहाँ पर सीरम शेयर किए थे, दोनों को लगाने का तरीका सेम है, बट यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ गुड वाइब्स का प्लस रेंज का टी ट्री मलबेरी ऑयल कंट्रोल ग्लो सीरम। 4 से 5 बूंद आप चेहरे पर लगा लीजिए, इतना इनफ होता है। और उसके बाद सर्कुलर मोशन फॉलो करते करते फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज कीजिए। सर्कुलर मोशन में मसाज करने से हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, स्किन यंग और टाइट रहती है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीरम नाइट में लगाना प्रीफर कीजिए क्योंकि हमारी बॉडी हमारे स्किन नाइट में रिपेयर होती है, क्योंकि पूरे दिन भर में हमारी स्किन या तो बॉडी जो भी डैमेज हुई होती है नाइट में रिपेयर होती है। तो आप अच्छी क्वालिटी का कोई सीरम ले लीजिए, उसके बाद नाइट में अप्लाई कीजिए, इससे आपकी स्किन हील होगी। तो यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का जो टी ट्री मलबेरी ऑयल कंट्रोल ग्लो सीरम अप्लाई किया है ना, वो पिंपल को ठीक करने के लिए, ब्लेमिशेस या तो स्पॉट्स, ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए, स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाने के लिए हेल्प करता है, इवन कॉम्प्लेक्शन को एनहांस भी करता है। बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है। आप अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए 2-3 मिनट तक, ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन पर एब्सॉर्ब हो जाता है। ऑयलीनेस ग्रीसीनेस आपकी चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं छोड़ता है। और आप चाहो तो ये जो सीरम है दिन में 2 बार लगा सकते हो, मॉर्निंग में और नाइट में, और ये ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए और टीनेज से लेकर आपकी एज कोई भी हो आप इसे लगा सकते हो। आपने यहाँ पर देख सकते हो कि ये सीरम लगाने के बाद मेरी जो स्किन है बिल्कुल भी आपको स्टिकी, ऑयली, चिपचिपी आपको फील नहीं होगी क्योंकि ये सीरम बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो लगाने में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज जो चिपचिपे सीरम होते हैं ना उसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना, स्वेट होता है। और ये सीरम की खास बात मुझे ये लगी कि उसमें टी ट्री है, साथ ही साथ मलबेरी है, जो कि स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है, लाइक पिंपल है, आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने है, ब्लेमिशेस है, उसको भी दूर करता है, ऑयलीनेस कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर एक ग्लो भी लाता है, आपकी स्किन को हेल्दी करता है। तो आई थिंक ये सारी स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयल स्किन है, आप इसको यूज कर सकते हो। इवन आप आपके फाउंडेशन में भी मिलाकर आप इसको लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर में मिलाकर भी इसको लगा सकते हो। तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ये दोनों एसेंशियल ऑयल ऐसे हैं जो पिंपल, एक्ने के ऊपर परफेक्टली काम करते हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली स्किन है, तो आप आपके मॉइस्चराइजर में, आप आपकी क्रीम में एक बूंद ये लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल की या तो ये पेपरमिंट ऑयल की एड करके चेहरे के ऊपर लगा सकते हो। इससे जो पिंपल के बैक्टीरिया होते हैं
एक्ने होते हैं, उसके बैक्टीरिया काफी कम होते हैं, ऑयलीनेस ग्रीसीनेस भी दूर होती है। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि अब आपको सीरम के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। तो आप एक कोई अच्छा वाला सीरम आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप डेली यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कोई मॉइस्चराइजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमारे स्किन टाइप के हिसाब से, हमारी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से कोई एक अच्छा वाला सीरम हमें डेली यूज करना चाहिए। चाहे आप नाइट वाला सीरम यूज करो या डे वाला कोई सीरम यूज करो, बट सीरम तो हमें डेली यूज करना चाहिए, क्योंकि सीरम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो स्किन के अंदर जाके हमारी जो स्किन होती है उसको हील करने में हेल्प करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाई उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, और आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये सीरम का वीडियो शेयर करना तो उनको भी ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरे बहुत सारे वीडियोज है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।